हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर दूसरों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। ये आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हो जिसे आप पसंद करते हो, और आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में दूसरों से क्या बात करते हैं। एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी जोडियक साइन के लिए होगी। टाइमलेस रीडिंग है। जिस पर्सन का देखना चाहते हैं आप कि वो पर्सन दूसरों से आपके बारे में क्या बात करता है, उस पर्सन का नाम लेना है 3 बार और उस पर्सन के चेहरे को इमेजिन करना है। देखते हैं वो पर्सन आपके बारे में दूसरों से क्या बात करता है। ओके, इस पर्सन के साथ आप हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर बातचीत हो रही हो, दोनों ही तरह से आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, देखिए जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो पर्सन प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। कार्ड भी अच्छा ही है पर्सन, और आपके बीच में आपके लाइफ में कुछ तो नेगेटिविटी चल रही है। ओके, जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों के अंदर सेपरेशन चल रहा है अभी। ओके, ये वो पर्सन हो सकता है जिसको आप पसंद करते हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन हो रही है कि आप दोनों अलग अलग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए, उस पर्सन के लिए हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये पर्सन दूसरों से आपके बारे में, पहले दूसरों का देख लेते हैं हम, क्योंकि रीडिंग वही है, फिर हम आपको बताएंगे ये पर्सन खुद आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये पर्सन आपके बारे में ये सोचता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने थॉट्स को और अपने माइंड को कंट्रोल करके चलने वाले एक अच्छे डिसीजन मेकर हो सकते हैं आप। टाइम टाइम पर आपकी नेगेटिविटी भी इस पर्सन ने देखी है, तो दूसरों से यही कहते हैं कि ये जो पर्सन है ये इंडिपेंडेंट है, अपने घर की अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन उठाता है। इस पर्सन के अंदर मैंने एक मेच्योर पर्सन देखा है, भले से आप में बचकानी हरकतें हों या फिर आपकी एज कम हो, लेकिन जो आपके पार्टनर दूसरों से बात करते हैं कि ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, क्योंकि आपके पार्टनर के थॉट्स भी यही हैं आपके लिए कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानते हैं आपको। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, दूसरों से बात करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत गिविंग नेचर के और बहुत केयरिंग पर्सन हैं। कभी भी अपनी इच्छाओं के लिए दूसरे को कभी हर्ट नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। और आप हो सकता है ऐसे भी हो, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको पसंद आई है तो पहले आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के लिए सोचेंगे कि अगर मैं इसको देता हूँ या देती हूँ तो सामने वाला पर्सन बहुत खुश हो जाएगा। और ये एनर्जीज इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी नोटिस की है कि आप दूसरों को खुश देखकर ज़्यादा खुश होते हो। तो काफ़ी ज़्यादा जब अपने ग्रुप में या अपने फैमिली में आपके बारे में बात करते हैं तो वो यही बताते हैं, मैं एक ऐसे पर्सन को आज भी इस ज़माने में भी ऐसा पर्सन है जो हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है या सोचती है। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस ऐसा करते हो, ठीक है, और जिसमें आप दूसरों को हेल्प करते हो, सकता है आप हीलिंग करते हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, आप मेडिटेशन करवाते हो, योगा करवाते हो, जिससे कि आप दूसरों का हेल्प करते हैं। लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट भी करता है, प्यार। अगर आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं कि क्या वो पर्सन आपको प्यार करता है या नहीं, तो जिस पर्सन के लिए हम ये देख रहे हो भाई, वो पर्सन आपको प्यार बहुत करता है। अगर ये अनकहा प्यार है, मतलब अभी कहा नहीं गया है, तो आप दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे आने वाले समय में। आप दोनों एक लव रिलेशनशिप में होंगे, और एक ऑलरेडी आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिसके साथ आपका रिलेशन था और वापस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भाई ये रिलेशन वापस से स्टार्ट होगा, प्यार बहुत अच्छे से आएगा इस रिलेशनशिप में। वो पर्सन आगे होकर आपके पास आकर एक बार फिर इस रिश्ते की नई शुरुआत करने के बारे में सोचेगा। हालाँकि अब इस पर्सन को कोई भी आपके साथ बात करने से या आपके साथ रिलेशनशिप में शुरू करने से रोकेगा, तो वो पर्सन आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो वो उनसे दूरी बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। अगर आप दोनों अलग अलग शादी में भी हो तो आप लोग के लिए स्पेशल मैसेज है कि वो ये चाहते हैं
वो किसी और सिचुएशन में, किसी और रिश्ते में बंधे हुए हैं, इसलिए वो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाह रहे, लेकिन वो उस रिश्ते या उस रिलेशनशिप में कहीं पर भी खुश नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो वो बंधे हुए हैं उस रिश्ते में, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं जद्दोजहद चल रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके आसपास के रिश्तों में, इसलिए वो हमेशा आपको याद करते हैं कि अगर आप होते तो शायद आपके साथ ये सब नहीं होता, आपके साथ हमेशा सिर्फ प्यार और केयर ही होती। आपके साथ इस रिश्ते से निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंड ले रहे हैं, जिनके पार्टनर स्टैंड नहीं लेते थे ना उनके लिए भी उनके पार्टनर उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं, एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। मुझे लगता है नवरात्रि में बहुत सारे लोग के ना अब रिश्ते पक्के हो ही जाएंगे। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला है ये पर्सन आपके लिए, और दूसरों से भी यही बात करता है कि इसके पास मैं जाकर वापस एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, उस रिलेशन को मजबूत करके इसको एक, आप देख रहे हैं ये एक क्राउन है, ये जीत भी चाहते हैं, ये आपके साथ एक शादी का बंधन भी चाहते हैं। इस रिलेशनशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और लोगों से बातचीत करना, लोगों का सामना करने की ये पर्सन हिम्मत रख रहा है, हर जगह से हर नेगेटिविटी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ेगा ये पर्सन। सच कहूँ तो ये एक शादी का रिश्ता है, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो बहुत अच्छे चांसेस हैं उस पर्सन के साथ शादी होने के आपके, और वो पर्सन ये कहता भी कि ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है, इसी के साथ मुझे शादी करनी है और मुझे करनी भी चाहिए। ये काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कहते हैं ना पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो आपके लिए आए हैं, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है या सोचती हैं, ठीक है। ओके बहुत सारी ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो ये पर्सन आकर आपको ना बताएगा कि अब तक इसने अपनी फीलिंग्स क्यों एक्सप्रेस नहीं की या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्यों डाला, ठीक है। ये वही पर्सन है जिसका आप काफ़ी समय से वेट करो, ये पर्सन आएगा। जो लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का काफ़ी समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो पर्सन आएगा आपके साथ। और अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं कि कोई पर्सन आपके घर रिश्ता लेकर आया तो उनका जवाब नहीं आया, तो ये आपके पास रिश्ता लेकर वापस आएंगे। ओके पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसा पर्सन है। और जो लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं ना काफ़ी समय से, ये पर्सन आएगा, सीधे शादी का कमिटमेंट लेकर आएगा, जो बातें आज तक आपसे छुपाई थी वो सब आपको आकर बता देगा ये पर्सन। ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी है ये, जिस भी आप पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो पास्ट जन्म में तो आपका था ही हस्बैंड और वाइफ, इस जन्म में आपका इस पर्सन से रीयूनियन होगा। अगर पास्ट लाइफ में आप लोग अलग हो गए थे या हस्बैंड वाइफ थे किसी सिचुएशन की वजह से, तो इस जन्म में तो अब आप दोनों का, ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर आप दोनों का एक दूसरे से रीयूनियन होगा, आप दोनों एक अच्छे रिलेशन में जाएंगे। बस आपको यहाँ थोड़ा करेज रखने की ज़रूरत है। देखो बॉटम में ये रीडिंग ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट से डील कर रहे हैं, 100% श्योरिटी के साथ मैं ये बात कह सकती हूँ कि आप अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट से डील कर रहे हो। सारे कार्ड्स जो प्यार वाले हैं सभी आ गए हैं यहाँ पर, इसमें कोई भी ऐसी छुपाने वाली बात नहीं, ये सब कार्ड्स आपको आइडिया दे देंगे अगर आप इन सब कार्ड्स को देखोगे तो, मेरे बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम और सोलमेट, क्लेम करो एनर्जी को, ऊपर वाला करे जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर सकते हो, आईडी डिस्क्रिप्शन में। बाय।